पटना से खबर, जहां हवाई सर्वे के बाद समीक्षा बैठक भी की गई। सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में संबंधित जिलों के डीएम मौजूद हैं। वर्चुअल तरीके से ये बैठक चल रही है। तो आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित जो कई जिले हैं वहां का जायजा लिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अब जो हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों के साथ चल रही है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से? और वो बैठक चल रही है राहुल, और ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वेक्षण किया था और खास करके उत्तर बिहार में अभी भी बाढ़ की जो स्थिति गंभीर बनी हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री का यह दौरा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री जब वो अपनी आंखों से मुआयना करके लौटे तो फिर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा भी कि बाढ़ की जो स्थिति गंभीर है उस पर हमारी पूरी नजर है। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो राज्य सरकार ने निर्देश दिया था बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोगों के सामूहिक किचन की व्यवस्था हो या जो उनके ठहरने की व्यवस्था हो तो उनकी वो जो व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था उसमें कई जगह से कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली है कि जो मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता जताई थी। और उसी के साथ आज सभी जिलों के डीएम और एसपी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री उचित दिशा निर्देश दे। हालांकि मानसून अब अंतिम चरण में, लेकिन अभी भी नदियों में उफान है और कई बाढ़ग्रस्त इलाकों में फिर से नदियों का नदियां उफनाई हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए और खास करके जो जहां पानी का जलस्तर कम हुआ है उस इलाके में भी अभी काफी सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि गंभीर बीमारियां वहां फैलने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में लेकर के मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।